आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं, आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत से कुचलेंगे। आपको बताएंगे, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा और दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखी हुई है। कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, एक लंबी लिस्ट है, लश्कर-ए-जंगवी, लश्कर-ए-तोयबा, TLP, TTP और न जाने कितने बहुत सारे नाम हैं जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, पाकिस्तान ने ही बनाए। भारत इस दिन अपनी जीत मनाता है और जो उसने विक्ट्री हासिल की इस जंग में उसको उसके ऊपर वो दिन मनाते हैं। दोस्तों, तो कल जब विजय दिवस की 25वीं सालगिरह थी कारगिल युद्ध के उपरांत, तो उस सालगिरह के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी जी जो कारगिल में जाके उन्होंने एक भाषण दिया और पाकिस्तान को और वहां के आतंकवादियों को जो खुले मंच से ललकारा हुआ है वो देखते ही बनता था। और इससे पाकिस्तानी की जो पॉलिटिशियंस है, वहां के जो आतंकवादी है, वो तो शायद खौफजदा हुए होंगे और उनको मतलब लिटरली बोला जाए तो उनकी फट गई होगी। जिस तरीके से, जिस लहजे से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ललकारा और बताया हुआ है कि भारत की तरफ देखने वाले किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा और उनके मतलब जो भी है वहां पे पहुंचा दिया जाएगा, तो ये सब बोलते हुए पाकिस्तानी मीडिया में तो ऐसे हड़कंप मच गया कि नरेंद्र मोदी इतने खुले मन से और खुले इससे कैसे क्या इतना सब बोल सकते हैं। पर भाई, वो नरेंद्र मोदी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा ना कहा जाता है मोदी तो मुमकिन है। और जो मोदी के राज्यकाल में, कार्यकाल में जो भारत की प्रगति बढ़ी हुई है, पेट बढ़ी हुई है पूरे ग्लोबल में, वो तो किसी से छुपा नहीं है। यहाँ की चाइना भी अभी माफी मांगता फिर रहा है और साथ ही साथ जो चीजें सामने आ रही है पाकिस्तान के अंदर में, जो पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, उसका भी पाकिस्तान को काफी नुकसान होता है और पाकिस्तान वैसे ही धरा सहमा रहता है भारत के इससे। और भारत हर मौके पे, हर जगह पे उनको जो बड़ी चुनौती क्या बोलेंगे उसे पटक ही देता है, तो उससे तो पाकिस्तान वैसे ही दोहराया हुआ है। और साथ ही साथ वहां के मीडिया वाले क्या कहते हैं भारत के बारे में, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस जो स्पीच है उसके बारे में। हालांकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान एक हेवन है फॉर आतंकवादी, नो फॉर टेररिस्ट, इट इज द हर जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट की, जैसे वो लश्कर-ए-तैयबा हो गई या फिर ऐसी और कुछ जो है वहां के जो आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान को अपना हेवन समझ के वहीं पे रहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया वाले कैसे बौखलाए हुए हैं और कैसे वो कमेंट कर रहे हैं इस में, और उनका जो जो भी रिएक्शन है प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच के रिगार्डिंग वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को मजा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है, पाकिस्तान को वार्न किया है। और जिन अल्फाज में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, वो मैं आपको उन्हीं की आवाज में सुनवाऊंगी और उन्हीं के आवाज में, उन्हीं के अल्फाज में बताऊंगी भी। और सिर्फ यही नहीं, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, जरा आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर पर। बहुत सी बातें की जाती हैं, सबसे ज्यादा बड़ी बात जो की जाती है, जो कि पाकिस्तान की अपनी अथॉरिटीज करती हैं, और वो ये कहती हैं कि ये जनरल मुशर्रफ का, पाकिस्तान का एक बिगेस्ट ब्लंडर था कारगिल वॉर। भारत इस दिन अपनी जीत मनाता है और जो उसने विक्ट्री हासिल की इस जंग में उसको उसके ऊपर वो दिन मनाते हुए मोदी साहब ने जो कहा है, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान हैज़ फेल्ड इन ऑल इट्स नेफेरियस अटेम्प्ट्स इन द पास्ट, लेकिन पाकिस्तान ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। मोदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री से कोई लेसन लर्न नहीं किया और अभी तक वही हरकतें जारी हैं। उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया कि अब करके दिखाओ। मोदी साहब की जो स्पीच का जो क्रक्स मुझे पता चला है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हुन करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, अब बताते हैं तुम्हें। और साथ में उनका कहना था कि पाकिस्तान हैज नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, इट इज ट्राइंग टू कीप इटसेल्फ रेलिवेंट विद द हेल्प ऑफ टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर। और फिर उन्होंने कहा कि टूडे आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ए स्पेस, फ्रॉम ए प्लेस वेयर द मास्टर्स ऑफ टेरर कैन हियर माई वॉइस डायरेक्टली। I want to tell these patrons of terrorism that their nefarious intentions will never succeed. Our soldiers will crush terrorism with full force and enemy will be given a. आप सोच सकते हैं, ठीक है, जो उन्होंने कहा कि दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी। ये जो बात वो कर रहे थे वो उन्होंने बात की है जंगों की। देखिए पाकिस्तान के अंदर और जितने आप अथॉरिटीज़ स्कॉलर्स उठाकर आप उनसे जब भी बात करते हैं, आप जब किताबें पढ़ते हैं, पाकिस्तान के अपने अंदर की स्कॉलर्स की लिखी हुई किताबें, पाकिस्तान के अपने जनरल्स की लिखी हुई किताबें, अपने कर्नल्स की लिखी हुई किताबें, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन से कर्नल जनरल ने क्या कहा है, उन किताबों में ये बात कही जाती है कि ये जनरल मुशर्रफ ने जो कदम उठाया था और जो बिगेस्ट ब्लंडर किया था तारीख का, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और कहा जाता है कि जितनी जंगें की हैं उसमें सब की सब भारत ने बड़ी एक शिकस्त फाश दी है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यहाँ तक कहा गया, अभी आपको बताऊंगी, यहाँ तक कहा गया कि 71 में जितना नुकसान हुआ था उससे भी ज़्यादा जाने इस कारगिल वॉर में गई हैं। ठीक है, ये मैं मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे अल्फाज ही हैं मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो जितने भी शोभाई ज़िंदगी हैं डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं, लोगों से मेरी, मैं सिर्फ कोई आम लोगों की बात नहीं कर रही, अब तो खैर आम लोगों को भी बड़ी समझ और बूझ आ गई है, वो भी अब जंग के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मैं आपको भी बताऊंगी कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है। पहले हम ऐसा करते हैं कि मोदी साहब ने जो वार्निंग दी है वो आपके लिए चलाई देते हैं, ठीक है जी, और वैसे तो जहाँ पर पहुँचनी थी वहाँ पर पहुँच ही गई होगी हमें जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी